हेलो दोस्तों, तो चलो आज हम बनाते हैं मटन पुलाव और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ट्राई करना इस बकरीद पे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम मटन। अब फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच तेल, 3 ग्रीन चिल्ली और 3 रेड चिल्ली, और फिर ऐड करेंगे इसमें हम रेड चिल्ली पाउडर, 1 मीडियम कटा हुआ प्याज और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। अब इसको हम मिक्स करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब लिया है मैंने 1 कप दही, इसमें ऐड करेंगे हम नमक, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, और फिर डालेंगे इसमें हम मिंट और फ्राइड किया हुआ अनियन, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच घी, इसको हम घी में ही पकाएंगे, और फिर डाला इसमें मैंने दालचीनी और ब्लैक पेपर और बड़ी इलायची, और हमने मैरिनेट जो किया था मटन उसको ऐड करेंगे, और 5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे हम मीडियम फ्लेम में। ये देखिए मटन अपना पानी छोड़ रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने मसाला तैयार किया था उसको ऐड करेंगे, और इसको भी हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हमारे मसाले कच्चे ना रहें। अब इसको हम 3 सीटी आने तक पका लेंगे। यहाँ पे मैंने पानी नहीं ऐड किया क्योंकि जो हमने मसाला तैयार किया था और मटन से पानी ऑलरेडी इतना छूट गया है कि ये पक जाएगा। 3 सीटी लगा के इसको पका लेंगे। मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है मीडियम रखा है। अब इसके गैस को हम निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि हमारा मटन गला है कि नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और हमारा मटन भी गल गया है। फिर ऐड करेंगे हम इसमें पानी जितनी ज़रूरत के अनुसार। मैंने यहाँ पे 2 गिलास ऐड किया है, और ऐड करेंगे हम नमक क्योंकि मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए ऐड किया है, और डाला है मैंने पुदीना, फ्राइड अनियन, और फिर ऐड करेंगे इसमें हम बासमती राइस, ये 300 ग्राम है जिसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो लिया था। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अगेन हम ढक्कन बंद करके इसको 1 सीटी आने तक पकाएंगे क्योंकि चावल जो है हमारा 1 सीटी में पक जाएगा और जो मटन था वो तो ऑलरेडी ही पक गया है। इसका गैस है निकाल लेंगे हम। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ट्राई करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो